हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांग मोघा और दा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 27 है। इसमें हम बात करेंगे रिप्लेस ऑल मेथड की। तो चलिए चलते हैं नोट पैड प्लस प्लस में और देखते हैं कि हमने कोड में क्या लिखा है। कोड में हमने एक डिव क्रिएट किया है, डिव में दो पी टैग लगे हैं और इसको डिव को आईडी दिया लोगो, आईडी लोगो हैश के थ्रू कॉल किया हमने स्टाइल टैग में, और विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर दिया है और इनपुट टाइप बनाया है। हमने सबमिट बटन क्रिएट किया है और एक स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हमने यहाँ पे जेकर के फाइल को लिंक किया और देन इससे ओपन और क्लोज स्क्रिप्ट टैब के इनसाइड हम अपना कोड लिखेंगे। आपको रिजल्ट जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो बेसिकली रिप्लेस हमने विद पहले एक अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे रिप्लेस ऑल। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पहला डिफरेंस है दोनों को लिखने का, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि रिप्लेस ऑल में आप किस जिस भी चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो वो सिर्फ आप टैग से ही रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कि आप रिप्लेस जो विद मेथड था उसमें आप चाहे एचटीएमएल का टैग दो या आप सिंबल डेटा ही दे रहे हो तो भी रिप्लेस हो जाएगा, बट रिप्लेस ऑल मेथड में आप डेटा देके आप रिप्लेस नहीं करवा सकते, आपको टैग देना ही देना पड़ेगा, वो टैग के बिना रिप्लेस करेगा ही नहीं। और लिखने का भी तरीका होता है, तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। तो बेसिकली मैं कराऊंगा क्या, पहले तो उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर मैं रेडी जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस बटन पर इवेंट कॉल हो, तो पहले तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्टर बनाने के लिए डॉलर लिखा, इसकी आईडी को मैंने कॉपी किया। आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, नेम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लगाएगा मैंने क्लिक इवेंट कि जैसे कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो इवेंट चलेगा क्लिक का और फंक्शन रन होगा उसमें। तो उस फंक्शन में मैं कराना चाहता हूं कि जिसकी आईडी लोगो है, इस डिव की आईडी लोगो है, तो सिलेक्टर क्रिएट किया पहले तो मैंने इसका, और आईडी है तो हैश लगाया यहां पे, इसकी आईडी लोगो है और मैंने पी लिखा डॉट आर ई पी एल ए सी रिप्लेस ऑल मेथड, ठीक है। बट ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है, आप इस तरीके से लिखते थे अदर मेथड्स के अंदर, बट इसमें रिप्लेस ऑल में आप ऐसे नहीं लिखोगे। रिप्लेस ऑल में कैसे लिखोगे, पहले आप लगाओगे डॉलर, आप सिलेक्टर नहीं बनाओगे, जिस आपको जो रिप्लेस करना है उस टैग का नाम लिखोगे। तो यहाँ पर पी टैग है तो मैं उनको एच वन टैग से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो एच वन टैग क्लोज किया ओपन किया, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे रिप्लेस ऑल, ठीक है, और यहाँ पे आप दोगे सिलेक्टर, तो मैंने हैश लगाया लोगो और पी। तो ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है, रिप्लेस ऑल। ये तरीका वही है तरीका जो अपेंड टू प्रीपेंड मेथड में होता है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव और देन करता हूँ रिफ्रेश। अब करते हैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक, तो जैसे मैंने क्लिक किया रिप्लेस हो गया, बट वहां पे कोई डेटा नहीं है, तो डेटा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मुझे जो डेटा रखना है वो रखना है दिल्ली या मुझे रखना है हिंदुस्तान, ठीक है। सेव किया और देन मैंने किया रिफ्रेश। अब देखो जैसे रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया तो जो मेरा डेटा था पैराग्राफ में वो पूरा चेंज हो गया, हटके क्या आ गया यहाँ पर हिंदुस्तान आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं वापस रिप्लेस ऑल इस तरीके से। अगर यहाँ पर मैं टैग ना दूं, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ, सिर्फ दे रहा हूँ डेटा, जैसे कि न्यू दिल्ली, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिप्लेस ऑल मेथड सिर्फ टैग को रिप्लेस करता है और विदाउट टैग आप यहाँ पे डेटा नहीं ऐड कर सकते, तो आपको टैग के साथ में ही डेटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से दोबारा दिखाता हूँ करके मैं यहाँ पे, जैसे कि एच टू में डेटा मुझे ऐड करना है, एच टू आप यहाँ पे जो भी डेटा ऐड करा रहे हो डेटा आप दो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे दिल्ली ऐड करना है दोनों में, तो रिफ्रेश करते हैं रिप्लेस ऑल किया, तो देखो दिल्ली हो यहाँ पे भी, यहाँ पे दिल्ली आ गया और ये एच टू में आ चुका है। तो बेसिकली रिप्लेस ऑल और रिप्लेस जो हमारा ऑल है और रिप्लेस जो विद है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि रिप्लेस ऑल को आप थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है, पहले आप लगाते हो जो डेटा आपको रिप्लेस करना है, दूसरा बाद में आप बनाते हो रिप्लेस ऑल के अंदर सिलेक्टर। रिप्लेस विद में क्या होता है, पहले आप बनाते हो सेलेक्टर, उसके बाद आप रिप्लेस विद मेथड में अपना डालते हो कि आपको रिप्लेस करना है, एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा रिप्लेस विद आपके जिस पर भी आप एलिमेंट पर रिप्लेस करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस विद मेथड, आप वहां पे एचटीएमएल के टैग के थ्रू भी रिप्लेस कर सकते हो और विदाउट एचटीएमएल टैग, मतलब कि सिंपल आप डेटा ऐड करके भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। बट रिप्लेस ऑल के अंदर क्या होता है, आपको जो डेटा रिप्लेस करना है वो टैग में ही आप दोगे, विदाउट टैग आप डेटा रिप्लेस नहीं कर सकते,
तो ये डिफरेंस है और इस तरीके से यूज किया जाता है रिप्लेस ऑल मेथड। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।